अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर टू को जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को और उसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर टू विच इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मोस्ट पार्ट अप्रोक्सिमेटली मोर देन सिक्सटी और सेवनटी परसेंट पार्ट वैक्टर्स पे कंसिस्ट करता है और फाइनली इस चैप्टर के लास्ट पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आज के टॉपिक की हेडिंग क्या है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वैक्टर्स तो स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ वैक्टर्स में हम सबसे पहले वैक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि वट आर वैक्टर्स तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स का कंसेप्ट आप ग्रेड नाइन में कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपने सीखा था कि वेक्टर्स क्या हैं वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन स्टूडेंट्स वेक्टर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने से पहले हम स्केलर्स को देखेंगे तो स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट टाइप और कैटेगरी इज वेक्टर्स एंड सेकंड टाइप और कैटेगरी इज स्केलर्स वेक्टर्स को डिफाइन करने से पहले हम स्केलर्स की डेफिनेशन देखते हैं तो स्टूडेंट्स स्केलर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम वेक्टर्स और स्केलर्स की सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स स्केलर्स की डेफिनेशन देखिएगा स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं एंड सेकेंड थिंग इज यूनिट लेकिन स्टूडेंट्स स्केलर्स के बरक्स अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड थिंग इज द यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मैड एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डायरेक्शन तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन ही वो चीज है जो वेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करती है स्केलर्स से तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स और स्केलर्स को डिफाइन करने के बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर स्केलर्स की एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बताएं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और यूनिट को यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में कुछ एग्जांपल्स आएंगी फॉर एग्जांपल मैथ टाइम लेंथ वर्क डन स्टूडेंट्स ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मैथ्स हो टाइम हो लेंथ हो वर्क डन हो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज मैथ टाइम लेंथ एंड वर्क डन आर स्केलर क्वांटिटीज़, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इन एग्जांपल्स के बरक्स हम वेक्टर्स की एग्जांपल्स को कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स की एग्जांपल देखिएगा सबसे पहले फोर्स देन वेट then students taught velocity and so on स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन, मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो स्टूडेंट्स जब भी हम फोर्स को रिप्रेजेंट करें वेट को टॉर्क को वेलोसिटी को तो स्टूडेंट्स इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगी तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स और स्केलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब हम वेक्टर्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम देखेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली वेक्टर्स फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक मेथड एंड स्टूडेंट्स सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को सिंबॉलिक मेथड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए जैसा कि वर्ड सिंबॉलिक का मतलब क्या है सिंबल्स जिस तरह स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक सिंबल इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए ओ नाइट्रोजन के लिए एन कार्बन के लिए सी तो सिमिलरली स्टूडेंट्स वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वी यूज स्मॉल और कैपिटल एल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स सिंबॉलिकली लेकिन स्टूडेंट्स खाली सिंबल्स का इस्तेमाल काफी नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इज वी यूज बोल्ड फेस लेटर्स हम स्टूडेंट्स सिंपल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे सिंपल अल्फाबेट्स को यूज नहीं करेंगे बल्कि बोल्ड फेस लेटर्स को यूज करेंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं एग्जांपल्स कंसीडर करूं अगर मैं अल्फाबेट ए का यूज करना चाहता हूं तो स्टूडेंट्स यहां पर हम सिंपल लेटर ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम ए को बोल्ड करेंगे डार्क करेंगे स्टूडेंट्स ये अल्फाबेट कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है तो स्टूडेंट्स अगेन अगर मैं स्मॉल ए को यूज करूँ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैं इसको बोल्ड करूंगा तो स्टूडेंट्स यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वी यूज बोल्ड फेस लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बोल्ड फेस लेटर्स यूज नहीं करना चाहते तो स्टूडेंट्स सिंबॉलिक मेथड में एक और टेक्निक भी है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की दैट इज वी विल यूज एन हेड ड्रॉन अब और बिलो द लेटर मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि हम बोल्ड फेस लेटर्स यूज ना करें तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है ड्रॉ एन एरो और अ लाइन अबव और बिलो द लेटर्स तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स हम सिंपल ए यूज़ करेंगे लेकिन अगर सिंपल ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसके ऊपर या फिर नीचे एरो या स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ताकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये अल्फ़ाबेट वेक्टर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स हम स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए डी हम एरो भी लगा सकते हैं और लाइन भी लगा सकते हैं स्ट्रेट वो एरो या लाइन लेटर के ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है तो स्टूडेंट्स ये थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जिसमें हमने देखा कि वेक्टर्स को सिंबॉलिक मेथड में हम बोल्ड फेस लेटर्स की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन अगर हम बोल्ड फेस लेटर्स यूज नहीं करना चाहते सिंपली लाइट फेस लेटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं देन हमें उस लेटर के ऊपर या नीचे एरो हेड ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट्स अगर इसमें मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूं तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर्स के सिंपल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ हम लाइट फेस लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम वेक्टर को मोड की फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स अगर चैप्टर टू में और फिजिक्स के अंदर लाइट फेस लेटर्स गिवन है या फिर वेक्टर्स को मोड के अंदर लिखा गया है तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए नाउ स्टूडेंट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड जैसे कि अगेन लव्स ग्राफ से हमें मालूम हो रहा है कि यहां पर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं मैं आपको कहता हूं कि एक स्टूडेंट ने फाइव किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट So for example students a student covers a displacement of 5 km due north east तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डेली लाइफ में स्टूडेंट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस एंड स्टूडेंट्स इट इज नॉर्थ इट इज साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज ओरिजिन तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने किया कि एक स्टूडेंट ने फाइव किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो स्टूडेंट्स सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहां पर होगी इट इज इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लेकिन स्टूडेंट्स किलोमीटर का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है जिस तरह आपको मालूम है कि एक किलोमीटर में वन थाउजेंड मीटर होते हैं फाइव किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को हम इस लिमिटेड पोर्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे हम एक रेफरेंस स्केल बनाएंगे हम एक रेफरेंस स्केल चूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वन सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू वन किलोमीटर तो स्टूडेंट्स अगर हमारी अजम्पन के मुताबिक वन सेंटीमीटर हम यूज कर रहे हैं वन किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो फाइव किलोमीटर के लिए कितने सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होंगे ऑब्वियसली फाइव सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्केल की मदद से कितना काम आसान हो गया है कि हमें फाइव किलोमीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइव किलोमीटर लंबी लाइन नहीं लगाना पड़ेगी सिर्फ हम फाइव सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी फाइव किलोमीटर्स को तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे विद हेल्प ऑफ अ स्केल विच विल बी फाइव सेंटीमीटर लोंग तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इट इज इक्वल टू फाइव किलोमीटर एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो स्टूडेंट्स हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस चीज का इस्तेमाल किया हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया जिस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को हम टेल कहते हैं और आप देख सकते होंगे कि एंडिंग पॉइंट पे देर इज एन हेड हमने एक एरो बनाया दैट हेड इज द एंडिंग पॉइंट एंड यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर तो स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने एक लाइन सेगमेंट को यूज किया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए और उस लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को हम टेल कहते हैं एंडिंग पॉइंट जहां पर हमने एरो हेड ड्रॉ किया है इट इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर तो स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टेल टू हेड टेल से हेड के दरमियान इस लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन उस वेक्टर की डायरेक्शन को एरोहेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी विल यूज एरोहेड टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कंप्लीट किया है तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स और स्केलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद वेक्टर्स की सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आपने टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मीन टू डी थ्री डी प्लेन स्पेस का वर्ड तो डेली लाइफ में यूज किया होगा लेकिन स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ माइनर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूं आपने टू डी और थ्री डी का तो वर्ड यूज किया होगा लेकिन वट इज मीन बाय जीरो डी जीरो डी मीन्स जीरो डायमेंशन जीरो डी के बाद हम देखेंगे वन डी को तो स्टूडेंट्स व्हाट इज वीन बाय जीरो स्टूडेंट्स जीरो डी मीनस जीरो डायमेंशन ऐसी चीज इसकी कोई डायमेंशन ही ना हो ना उसकी लेंथ मयर की जा सके ना उसकी विथ्थ मयर की जा सके ना उसकी थिकनेस मैयर की जा सके तो जीरो डी की एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स अ सिंगल डोट सिंगल डॉट रिप्रेजेंट जीरो डी तो स्टूडेंट्स जीरो डी के बाद वन डी का मतलब क्या होगा तो वन डी मीन स्टूडेंट्स वन डायमेंशन तो वन डायमेंशन कैसे बनेगी सिंगल डायमेंशन कैसे बनेगी अगर हम नंबर ऑफ डॉट्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मिलाना स्टार्ट कर दें तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डॉट्स जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज हो तो वो क्या चीज बना देते हैं एक स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स वन डी तो वन डी की एग्जांपल क्या होगी स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1D को हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ 0D तो बात कहां से स्टार्ट होती है 0D से 0D की एग्जांपल क्या है अ सिंगल डॉट जब नंबर ऑफ डॉट्स को हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज करते हैं तो क्या बन जाएगी अ सिंगल लाइन जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है 1D को नाउ स्टूडेंट्स 0D और 1D के बाद हम देखते हैं 2D को तो स्टूडेंट्स जिस तरह वन डी का मतलब है वन डायमेंशन सिंगल डायमेंशन टू डी का मतलब है टू डायमेंशन स्टूडेंट्स अगर वन डी में जिस तरह हमने नंबर ऑफ डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया है एक स्ट्रेट लाइन को बनाया है अगर इसी तरह की टू लाइंस हो विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक सिंगल लाइन की बजाय हमारे पास टू लाइंस हो तो टू लाइंस जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी टू डी को नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थ्री डी को तो स्टूडेंट्स थ्री डी का मतलब है थ्री डायमेंशन तो सिमिलरली जिस तरह वन डी में सिंगल लाइन होगी टू डी में टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी सिमिलरली थ्री डी के अंदर थ्री लाइन होंगी जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी तो स्टूडेंट्स अगर थ्री डी की एग्जाम्पल को ड्रॉ किया जाए इट इज फर्स्ट लाइन वर्टिकल लाइन ओरिजोनटल लाइन नाउ स्टूडेंट्स जो थर्ड लाइन होगी वो या तो आउट ऑफ द प्लेन होगी या इन टू द प्लेन होगी लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर लाइट बोर्ड जो कि एक टू डी ऑब्जेक्ट है हम थ्री डी शेप को ड्रॉ नहीं कर सकते तो दैट्स वाई थर्ड लाइन को हम इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थ्री तो स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने ज़ीरो डी वन डी टू डी और थ्री डी को डिस्कस किया है अब इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक को दैट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता होना चाहिए और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ओरिजिन का पता होना चाहिए देन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओरिजन हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है हम चलते हैं 2D की तरफ तो स्टूडेंट्स 2D में आप देख सकते हैं हमारे पास टू लाइंस हैं वन लाइन इज वर्टिकल एंड द सेकंड लाइन इज हॉरिजॉन्टल तो वापस आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स टू लाइंस drawn perpendicular to each other are called coordinate axes for example students this is the first line and this is the सेकेंड लाइन इनमें से एक लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं और सेकेंड लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सप्लेनेशन में हम डिस्कस करेंगे नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम लिखेंगे ओरिजिन की डेफिनेशन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजन के कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा ओरिजन नाउ स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन को डिफाइन करने के बाद अब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग होगी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे The system of coordinate axis and origin is called. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स ये थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन जिसमें हमने बताया द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओरिजिन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इसका मतलब है कि हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने से पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करना होगा और ओरिजिन को डिफाइन करना होगा दैट्स वाई हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन से पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिस्कस किया और ओरिजन को डिस्कस किया नाउ स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के बाद अब हम थोड़ा सा मजीद इसको डिस्कस करते हैं तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिस्कस करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन वर्टिकल है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिखेंगे इन कोऑर्डिनेट एक्सिस वन लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द सेकेंड लाइन इज वर्टिकल लाइन स्टूडेंट्स, होरिजोटल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करने के बाद आप देख सकते हैं देर आर टू पार्ट्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड टू पार्ट्स ऑफ वाई एक्सिस तो अगर हम x एक्सिस को डिफ्रेंशिएट करें तो ओरिजिन से x एक्सिस का जो पोर्शन राइट साइड पे है इट विल बी पॉजिटिव और ओरिजिन से x एक्सिस का जो पोर्शन लेफ्ट साइड पे है इट विल बी नेगेटिव तो हम लिख सकते हैं राइट पोर्शन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट पोर्शन इज नेगेटिव राइट right और लेफ्ट किसके ओरिजिन के सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम वाइ एक्सिस की बात करें तो आप देख सकते हैं देर आर टू पार्ट ऑफ वाइएस अब ओरिजिन और बिलो द ओरिजन तो स्टूडेंट सिमिलरली जिस तरह हमने एक्स एक्सिस को डिफ्रेंशिएट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे द पोर्शन ऑफ द एक्सिस अब द ओरिजन इज पॉजिटिव और विल बी पॉजिटिव एंड द पोर्शन ऑफ वाई एक्स इज बिलो द ओरिजन विल बी नेगेटिव तो स्टूडेंट्स ये थी रेक्टेंगुलर कोर्डिनेट सिस्टम की एक्सप्लेनेशन नाउ स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक बात तो आएगी कि रेक्टेंगुलर कोर्डिनेट सिस्टम को हमने डिस्कस तो कर लिया इसके प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कहां पे हम इसको यूज कहां पे करते हैं तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कैसे किया जाता है किस मकसद के लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है जिसमें ज्यादातर हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया जाता है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे वो वेक्टर 2D मींस प्लेन में हो चाहे वो वेक्टर 3D यानी स्पेस में हो तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू तो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन और इन अ स्पेस तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि प्लेन के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से स्पेस के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं प्लेन का मतलब है टू डी टू डायमेंशन टू डी के अंदर प्लेन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस होंगे एक्स एक्सिस एंड एक्सिस। लेकिन किस तरह से प्लेन के अंदर हम एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को प्रोसीड करने से पहले याद रखिएगा प्लेन के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल थीटा यूज करते हैं वी विल यूज एंगल थीटा विच द डायरेक्टेड लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हैव टू एक्सिस और अ प्लेन होरजोनटल लाइन क्या होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के साथ नाओ स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस डायरेक्टेड लाइन फॉर एग्जाम्पल इट इज वैक्टर ए और स्टूडेंट इस डायरेक्टेड लाइन का स्टार्टिंग कर रहा है ओरिजन पे एंड एंडिंग पॉइंट इज एरोड इट लाइज ऑन अ पॉइंट पी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इट इज अ वेक्टर इट इज अ डायरेक्टेड लाइन एंड इट इज ड्रॉन ऑन रेक्टेंगुलर कोर्डिनेट सिस्टम अब हमने इस डायरेक्टेड लाइन और वेक्टर ए की डायरेक्शन बतानी है तो अब मैं इस लाइन को अगेन रीड कर रहा हूं इन अ अ प्लेन वी कैन रिप्रेजेंट द द डायरेक्शन ऑफ ऑफ वेक्टर विद हेल्प एंगल थीटा विच द डायरेक्टेड लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्टेड लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगी नाउ स्टूडेंट्स अब हम एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज द एंगल थीटा जो हम इस्तेमाल करते हैं प्लेन के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट पी की जो नोटेशन है इसको हम लिखेंगे ए कोमा बी इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पॉइंट पी का कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है और कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस से है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम ओरिजिन पे खड़े हों और मैं आपसे कहता हूं कि ओरिजिन से हमने पॉइंट पी पे जाना है लेकिन हमारे पास टू डिस्टेंसिस होंगे एक डिस्टेंस हम कवर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एक डिस्टेंस हम कवर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस हम इस वेक्टर ए के अलोंग मूव नहीं करेंगे हम जस्ट मूव करेंगे प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग तो स्टूडेंट्स ओरिजिन से पॉइंट पी तक जाने के लिए हम कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ कवर करेंगे लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर हम उस पॉइंट पी के सामने आएंगे तो हम अपनी डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ करेंगे देन हम कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग कवर करेंगे तो आफ्टर कवरिंग दीज टू डिस्टेंसेस हम अल्टीमेटली पॉइंट पी के ऊपर लाए करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम ओरिजिन से सबसे पहले चलना स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ जैसे ही हम एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट पी के सामने आएंगे देन हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देंगे हमने कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग कवर किया फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए यूनिट्स और हमने कुछ डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग कवर किया फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू b यूनिट्स तो स्टूडेंट्स इसीलिए पॉइंट पी की नोटेशन को लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ ए कोमा बी इस नोटेशन में जो फर्स्ट वैल्यू होगी इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस और इस नोटेशन में जो सेकंड वैल्यू होगी इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इज द Distance along x axis and B is the distance along y axis or students. डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या चीज यूज कर रहे हैं फॉर डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द सिंबल थीटा और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा थीटा को हम हमेशा मैयर करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा को अगर हम एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में मैर करेंगे तो थीटा पॉजिटिव होगा अगर हम डायरेक्शन में मैर करेंगे theta will be negative. लेकिन आपने convention याद रखनी है theta को हम हमेशा direction में करेंगे तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि प्लेन के अंदर हम एक वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स अगर प्लेन की बजाय स्पेस के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे तो आइए देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इन स्पेस और थ्री डायमेंशन वी रिक्वायर एन अदर एक्सिस Which is Z axis and it will be perpendicular to both the x axis. एक्सिस स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है स्पेस के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्सिस 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 और y के इलावा एक तीसरे की ज़रूरत होती है जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं और स्टूडेंट्स वो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा और वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सबसे पहले हम थ्री लाइन्स ड्रॉ करेंगे इट विल बी एक्स एक्सिस इट विल बी वाई एक्सिस एंड स्टूडेंट्स द थर्ड एक्सिस विल बी आवर जेड एक्सिस एंड तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इट इज ओरिजिन स्टूडेंट्स इसी तरह स्टूडेंट्स जिस तरह प्लेन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस 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 और नेगेटिव नेगेटिव एक्स, एक्स, एक्स होता है सिमिलरली यहां पर भी तीनों के एक्स भी तीनों के एग्जिस्ट करते हैं फॉर एक्सिजे अगर राइट साइड पे हमने पॉजिटिव वाई कंसिडर किया है तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाई होगा अगर हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव जी एक्सिस को कंसिडर किया है तो नीचे की तरफ नेगेटिव जी एक्सिस होगा और अगर स्टूडेंट्स अगर हमने आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर किया है देन इनटू द प्लेन अंदर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करेगा तो स्टूडेंट्स स्पेस के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने से पहले हमने थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया अब हम इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन्हीं तीनों एक्सिस को रीड्रॉ करूं नाउ स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्पेस के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन है और ये डायरेक्टेड लाइन हमने यूज की है वेक्टर ए के लिए इस डायरेक्टेड लाइन की टेल लाइ कर रही है ओरिजिन पे एंड द हेड ऑफ दिस डायरेक्टेड लाइन लाइज एट पॉइंट पी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने एक चीज़ मेंशन करनी है कि स्पेस के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एंगल यूज नहीं करते बल्कि हम तीन डिफरेंट एंगल्स को इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट एंगल इज़ अल्फा सेकेंड इज बीटा एंड थर्ड वन इज गैमा स्टूडेंट्स इसके बरक्स अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिर्फ एक सिंगल एंगल थीटा यूज किया था जो कि वो डायरेक्टेड लाइन बना रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेकिन इसके बरक्स अगर हम स्पेस की बात करें तो स्टूडेंट्स इन स्पेस वी हैव थ्री डिफरेंट एंगल्स वन एंगल इज एल्फा सेकेंड वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज गैमा तो स्टूडेंट्स एल्फा बीटा गैमा को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम यह भी बताएंगे एल्फा हम इस्तेमाल करते हैं एक्स एक्सिस के लिए बीटा हम इस्तेमाल करते हैं वाई एक्सिस के लिए और गैमा का यूज किया जाता है फॉर जेड एक्सिस इट मीन्स दैट स्पेस के अंदर वेक्टर की एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होगी बल्कि स्पेस के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा थ्री डिफरेंट डायरेक्शन से एक डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस से जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एंगल अल्फा के साथ सेकंड डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस और उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल यूज करेंगे बीटा और स्टूडेंट्स थर्ड डायरेक्शन को हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम जी एक्सिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गैमा तो स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले हम इन तीनों एंगल्स को ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा इट इज एल्फा वाई एक्सिस से जो एंगल होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा एंड स्टूडेंट्स जी एक्सिस से जो एंगल होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गैमा स्टूडेंट्स हमने अल्फा, बीटा गैमा को रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन यूज़ नहीं की जिस तरह से हमने प्लेन के अंदर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा थीटा को कैलकुलेट किया जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकिन स्टूडेंट्स स्पेस के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई रूल ऑफ थंब नहीं है यहां पर हम उस डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे जिस डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू कम से कम आ रही है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं एक्स एक्सिस से अगर मैं एल्फा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हूं तो एंगल की कुछ वैल्यू आएगी लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करता हूं अल्फा एंगल को मेजर करता हूं अल्फा एंगल की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के निष्पत क्लॉकवाइज में ज्यादा आएगी तो हम उस डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे जिस डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू कम आ रही है तो इसीलिए स्टूडेंट्स अल्फा को मैंने एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बीटा एंगल की बात करें जिसको हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस तो इसकी भी टू पॉसिबिलिटीज होंगी आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉक लेकिन स्टूडेंट्स अगर बीटा को मैं एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करने की बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा की वैल्यू एंटी क्लॉक वाइज की निस्बत ज्यादा आएगी तो दैट्स वाई हम किस डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे एंटी क्लोक वाइज लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं गैमा एंगल की बात करूं जो कि हम जेड एक्सिस से मैयर करेंगे तो गैमा एंगल के लिए कौन सी डायरेक्शन प्रेफरेबल है क्लोकवाइज बिकॉज गैमा एंगल की वैल्यू मिनिमम आएगी इन क्लोकवाइज डायरेक्शन अगर हम इसको एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में मैयर करें तो गैमा की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो स्टूडेंट्स ये रूल भी आपने याद रखना है कि स्पेस के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हम सब एंगल्स को क्लॉक वाइज में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैयर करेंगे, करेंगे तो स्टूडेंट्स स्पेस के अंदर हम उस डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे जिस डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू मिनिमम आ रही है तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम इस पॉइंट पी की नोटेशन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स जिस तरह प्लेन के अंदर हमारे पास टू एक्सिस थे और पॉइंट के हमने टू को किया फ्रॉम ओरिजन वन डिस्टेंस इज अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था और दूसरा डिस्टेंस था अलोंग वाई एक्सिस जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर टू एक्सिस के बजाय थ्री एक्सिस हैं तो इसका मतलब है यहां पर पॉइंट पी के कितने डिस्टेंसिस होंगे थ्री डिस्टेंसिस तो उसी तरह आप याद रखिएगा इज़ द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस बी इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस एंड सी इज द डिस्टेंस अलोंग जी एक्सिस तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एप्लीकेशन को कंप्लीट किया है कि किस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन में और स्पेस में वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं जी स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया वेक्टर्स को जिसमें हमने वेक्टर्स को डिफाइन करने के बाद वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को देखा देन हमने आज का मेन टॉपिक स्टार्ट किया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़